हेलो फ्रेंड्स, सभी भाइयों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और भाई लोग सभी कैसे हैं? तो भाई, आज जो ये लकवे की मेडिसिन मैं आपको दिखा रहा हूँ, न्यूरोबियन फोर्ट इंजेक्शन आता है कि जो क्विक रिलीफ के लिए बहुत बढ़िया है और नसें खुल जाती हैं, जिसका आप रेट देख लीजिए, 11 रुपये कुछ रेट है इसका, 11 रुपये 22 पैसे। और उसके अंदर ये कुछ मिलती है इस तरह की आपको मिलेगी, ठीक है भाई, जिसमें सॉल्ट है जो वो देख लीजिए आप, मैं फोकस करता हूँ थोड़ा। ये देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें ये सॉल्ट जो है काफ़ी अच्छे हैं और क्विक रिलीफ के लिए हैं। नसें आपकी जो होती हैं टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, इसकी वजह से नसें बंद हो जाती हैं तो खुल जाती हैं। और फ्रेंड्स, ये मेरे से शेयर करी थी ये रोहतास उस्ताद जी हैं करोल बाग के। वो एक दिन घर पे आए हुए थे, पापा के दोस्त हैं वो, तो फिर उन्होंने कबूतर देखे होके, तो फिर लकवे में जो मेरे थे वो कबूतर, तो उनके देखने के बाद उन्होंने ये बताया इसके बारे में, और बताया बहुत अच्छा रिजल्ट है। बस इंजेक्शन आपको लगाना अच्छी तरह आना चाहिए, बस आप अगर लगा सके इंजेक्शन तो ठीक है, अदरवाइज़ आप आपके गली में कोई डॉक्टर छोटा मोटा जो बैठते हैं उनसे भी आप ले जाके ये लगवा सकते हैं। तो इस तरह की कुछ सिरिंक आएगी, जाए आपको लेनी है 2 ml 2.5 ml की मिल जाए, जैसे भी आपको मिल जाए, छोटी वाली 2.5 ml वाली। इसमें आपको 0.5 ml इंजेक्ट करनी है इसके अंदर, ठीक है भाई। बाकी मैं अभी जब इंजेक्ट करूँगा तो आपको दिखा दूँगा कितनी मात्रा होनी चाहिए इसमें। और जो इसकी सिरिंज आएगी बहुत छोटी वाली आएगी, एक चाहिए जैसे मैं अभी दिखाता हूँ लोगों को, ये देखिए। जो इसके साथ पैकेट में मिलेगी वो तो आपको बड़ी मिलेगी, लेकिन आपको अलग से 2-3 रुपए की आएगी छोटी वाली, जो आधा इंची की होगी समझ लो। तो ये वाली आपको लेनी है, और इससे आपको 0.5 ml लेके और कबूतर को इंजेक्ट करना है। तो इंजेक्ट करोगे, इंजेक्ट करने के बाद कबूतर क्या है थोड़ा उल्टी उल्टी करेगा रात में, बट उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चक्कर भी आते हैं उसको, ठीक है। तो ये आपको इंजेक्ट करनी होती है, जैसा कि अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं इसको इंजेक्ट कर रहा हूँ अभी। इसकी टांग में आपको लगानी है भाई लोग, और टांग में लगाते समय आपको इसे जो इसका ये पंख वंख होते हैं पैर के, ये आपको साफ़ करने ज़रूरी हैं, और उसकी तरफ आराम से पंख उखाड़ दीजिए आप, और जब साफ़ कर लीजिए। और जो इसका थाई है, जो इसकी जांग है, इसमें जो मांस वाला एरिया है ना, उसमें आपको लगाना है, और लगाने के बाद अच्छी तरह इसको मसलते रहना है, जिससे पूरी ब्लड लाइन में इसके फैल जाए। और ये काबरा कबूतर है मेरा मदरासी, बहुत बढ़िया कबूतर था, बस टेढ़े में आ गया था, 6-7 महीने से चल रही है ट्रीटमेंट, ठीक हो गया था, लेकिन अभी भी ट्विस्टिंग है और दाना ना चुग लेता है। तो ये मैंने इंजेक्ट कर दिया, और अच्छी तरह इसको रफ कर देना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, अच्छी तरह इसको मसल देना है, जिससे इसके एकदम अंदर तक नसों में फैल जाए। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। और इसके पैर में आप देखेंगे तो छल्ला बिटला हुआ है, बहुत ही बढ़िया कबूतर था ये, काबरा मद्रासी, क्लीन पलके हैं, इनकम आँख एकदम क्लीन है इसकी। तो कभी हुआ तो मैं इसका जरूर शौक कराऊंगा और दिखाऊंगा भी कैसे ठीक हुआ है नहीं हुआ है। तो न्यूरोबियन फोर्ट का इंजेक्शन आपको इंजेक्ट करना है इसके अंदर। तो मैं अपने 3-4 कबूतर हैं उनको ये लगाऊंगा, क्योंकि 3 ml है, तो आधा ml करके आराम से 6 कबूतरों को हम इंजेक्ट कर सकते हैं। और इसमें दूसरी बात ये ध्यान देनी है कि हफ्ते में एक बार इसको लगाना है, 2-3 हफ्ते में असर हो जाएगा, क्योंकि कबूतर की टांग में आप लगाएंगे तो उसमें आ जाती है सूजन। ये एक मेरा पीला मद्रासी है, इसकी टांग में भी ये लगा रहा हूँ मैं, जांघ में। बस इंजेक्ट करके आपको बस धीरे से उसको पुश करना है, और उसके बाद अच्छी तरह रफ कर देना है, ठीक है भाई लोग। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, अच्छी तरह नसों में उसके फैल जाना चाहिए। और इसमें जब अगले दिन आपको उसको धूप में भी रखना चाहे तो रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें गर्मी होती है। तो एक ये जो पट्टा था इसको भी इंजेक्ट कर देते हैं,
सो गया। इसके जो जांग में थोड़ा मांस होता है ना, मांस वाली जगह पे लगाना है अगर, क्योंकि सबसे बेस्ट जगह वही होती है, और कहीं आप लगाओगे तो टेढ़ा मेढ़ा लग सकता है, तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है तो भाई लोग, ये तो भाइयों इन तीनों के मैंने इंजेक्शन लगा दिए हैं। एक ये काबरा मद्रासी है, एक ये मेरा लाल है, लाल मद्रासी, और एक ये कलसरासा। ठीक है, ये दोनों गर्दन हिलने वाले में है, ये ट्विस्टिंग नेक में है। तो अब इनका रिजल्ट जो होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है भाई लोग।